द कश्मीर फाइल्स को लेकर दो भागों में बटा सोशल मीडिया, कुछ कर रहे हैं तारीफ तो कुछ ने यूं कसा तंज। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने भी दिया बड़ा बयान। कश्मीरी पंडितों के पलायन के विषय पर बनाई गई बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा जोरों पर है। इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया दो भागों में बटा नजर आ रहा है। कुछ यूजर्स इसकी तारीफ में कमेंट कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग तंज कसते हुए कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। इस फिल्म को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद केरल कांग्रेस ने कश्मीरी पंडितों के जम्मू कश्मीर से पलायन को लेकर ट्वीट किया है। कांग्रेस की ओर से दावा किया गया है कि यूपीए सरकार ने जम्मू में कश्मीरी पंडितों के लिए 5,242 आवास बनाए। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सत्ता में कश्मीरी पंडितों ने घाटी को सामूहिक रूप से छोड़ दिया। पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने कमेंट किया कि दशकों तक कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को छुपाया गया, दबाया गया। अब जब कश्मीर फाइल्स की रिलीज के बाद पूरा देश इन जख्मों पर आंसू बहा रहा है तो केरल कांग्रेस ने पंडितों के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा, आतंकवादियों ने सिर्फ 399 कश्मीरी हिंदुओं को मारा, मुस्लिम ज्यादा मारे गए। पत्रकार रिचर्ड अनिरुद्ध लिखती है, बहुत पुराना इतिहास तो है नहीं, रथ यात्रा कब हुई और कश्मीरी पंडितों को किस रात घर छोड़ना पड़ा, ये दोनों तारीखें गूगल बाबा ही बता देंगे। बाकी तो जो कष्ट इस फिल्म से कुछ लोगों को हो रहा है, ये एक अच्छा साइन है। जाने माने वकील सलील त्रिपाठी ने श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा शेयर की गई आरटीआई की इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि 1990 में हुए आतंकवादी हमलों में मारे जाने वाले कश्मीरी पंडितों की संख्या 89 है। वही कश्मीरी पंडितों के अलावा अन्य समुदाय के लोगों की संख्या 1,635 बताई जा रही है। सलील त्रिपाठी लिखते हैं, आपको फैक्ट्स चाहिए थे। वही पत्रकार संजुक्ता बासु सलील त्रिपाठी द्वारा शेयर की गई जानकारी पर कहती है, पहले मुझे लगा ये फोटोशॉप्ड है, लेकिन बाद में पता चला कि ये हकीकत है, सच में बहुत दुखद है। वही मशहूर फिल्म अदाकारा ऋचा चड्ढा ने तंज के रूप में कहा, तथ्यों को तथ्य नहीं माना जाता है, आपको किसने बताया कि तथ्य तथ्य ही होते हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।